श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। अब 18वां श्लोक पढ़ेंगे साथ साथ। लघुत्व मूलं च किमर्थितैव गुरुत्व मूलं यदयाचनं च जातो हि को यस्य पुनर्न जन्म यस्य पुनर्न मृत्युः। को कोऽस्ति को वा बधिरश्च को वा वक्तुं न युक्तं समये समर्थः। तथ्यं सुपथ्यं न शृणोति वाक्यम् विश्वासपात्रं न किमस्ति नारी। गूंगा कौन है और बहरा कौन है, ये दो प्रश्न पूछे। तो गूंगा मूक वो है, वक्तुम न युक्तम समये समर्थः, जब जो बोलना चाहिए उस समय तो नहीं बोल पाते और जो नहीं बोलना है वो बोलते हैं। देखो एक श्लोक आता है, मूकम करो दिवाचाल पंगुम लंघयते गिरिम। इस श्लोक का अर्थ नॉर्मली लोग ऐसा करते हैं कि जो गूंगा है उसको भगवान वाचालम बोलने वाला भी कर देते हैं। संस्कृत भाषा के अनुसार इसका दूसरा भी अर्थ निकलता है, वाचालम मूकम करो दे, जो ज्यादा बकबक करने वाला है उसको गूंगा भी बना सकते हैं। चुप रह करके लोग हमको बेवकूफ समझे ये बेहतर है, हम बोलने के बाद उनको कंफर्मेशन दे कि हम रियली बेवकूफ। बहुत आवश्यक है। तो मूको स्थिको वा बधिरश्च को वा, उसी प्रकार से कई व्यक्तियों को अनावश्यक आर्ग्यूमेंट करने की आदत होती है, किसी भी चीज को लेकर के आर्ग्यूमेंट शुरू। यदि आप साधना के पक्ष में हो तो नारद भक्ति सूत्र का सूत्र जीवन में उतारे, वादो न अवलंब्यहा। जीवन में वाद विवाद आर्ग्यूमेंट लॉजिक का कभी भी सहारा नहीं लेना चाहिए। जहां कोई लॉजिक करता है उसी समय उसको हम सिलेक्ट शिफ्ट डिलीट कर देते, नो आर्ग्यूमेंट्स नो लॉजिक नो रीजन, यू आर वेरी अनरीजनेबल, यस देयरफॉर नो रीजन, क्योंकि उससे निकलता कुछ नहीं, केवल अपने दिमाग की हवा निकलती है। तो मूको उसके कोवा, जो चुप बैठता है वो गूंगा नहीं है। जब बोलना चाहिए तब नहीं बोलेंगे और जब नहीं बोलना चाहिए तब बोलेंगे, वो गूंगा है। तो वक्तुम न युक्तम समये समर्थः, वक्तुम समर्थः समये न युक्तम, जो जब आवश्यकता है तब जरूर बोलना है और जब आवश्यकता नहीं तब बिल्कुल नहीं बोलना, दोनों पर हमारा नियंत्रण होना चाहिए। कई बार हम लोग साधना के पक्ष में जाकर के मौन व्रत का पालन करते हैं, तो मौन माने केवल वाणी से नहीं बोलना, ये नहीं, मौन का तात्पर्य है बाहर के जगत में मौन रखने का प्रभाव
यदि हमारा मन शांति की ओर बढ़ रहा है तब वो मौन साधना है। और बाहर के जगत में नहीं बोल रहे हैं और अंदर में वोल्केनोज इरप्ट हो रहे हैं तो वह मौन नहीं है, वह पनिशमेंट है। तो कौन है गूंगा? जो योग्य समय पर योग्य बात नहीं कर सकता वो गूंगा है। और बहरा कौन है? तीन प्रकार के लोग हंसते हैं। एक तो वो है जिनको समझ में आने के बाद तुरंत हंस देते, एकदम डिफॉल्ट, क्योंकि वो कैच कर सकते हैं द सटल पॉइंट मेड इन दैट जोक, एक क्षण में पकड़ देते। दूसरे दूसरे को पूछते क्या हो वो ट्यूबलाइट है। और तीसरे प्रकार के जो लोग हैं वो बहरे होते हैं। बहरा आदमी खामो खाम हंसता है, कोई हंसने की बात नहीं है। देखो एक बूढ़ा वो बहरा था, तो बहरे लोगों को ये लगता है कि दूसरे क्या बोल रहे हैं सुने, लेकिन सुनने को तो नहीं आता। तो घर के सब लोग बैठते थे खाना खाने के लिए, ये बूढ़ा जाके वहां खड़े होंगे और ऐसे ऐसा हंसते रहे। तो व्हाट एल्स कैन यू डू, तो लोग कहते थे देखो आ गया खुसट, अब खड़ा रहेगा, सुनने तो कुछ आता नहीं। यहां आके खड़ा होना जरूरी है। जब जहां अपनी जरूरत नहीं होती है वहां नहीं रहना चाहिए, ये आध्यात्मिक साधना है। किसी को कहना पड़े अब यहां से जाने के कितने पैसे लेते हैं आप लोग, ये समझ में नहीं आता। हम सोचते हैं बड़े आध्यात्मिक साधना कर रहे, तो उनको हमेशा दुख होता था मुझे क्यों नहीं सुनने को आता। तो भगवान से प्रार्थना करें, भगवत मुझे मेरे कान ठीक करा दो। भगवान तथास्तु, एक शर्त है, तुम यदि एक किसी को बताओगे कि तुमको अब सुनने आता है तो तुम्हारे कान तो बंद हो ही जाएंगे, तुम्हारा तुम्हारी आंखें भी चली जाएगी और तुम्हारे हाथ पैर भी टूट जाएंगे। किसी को बताओगे? अपने में रखना। ठीक है भगवान, हमेशा की तरह लोग खाना खा रहे थे जाके बैठ खड़े हो गए वहां सेम थी। फिर वही डायलॉग आ गया खूसट, पता नहीं ये क्यों आ जाते हैं। जब सुन नहीं सकते हैं टुकुर टुकुर देखते रहते, इट इज सो अनकंफर्टेबल, क्यों नहीं जाते यहां से। सभी के सभी बोल रहे आप ये सुन रहे हैं, सुन रहा फिर गए जाने के बाद भगवान वापस ले लो। देखो महाराज, तो बहरा कौन है? तथ्यम सुपथ्यम न श्रुणोति वाक्यम। देखो तथ्यम तत् यथा, जो जैसा है वैसा नहीं समझता, वो उल्टा ही सुनता है, वो बहरा है। और सुपथ्यम, सुपथ्यम माने जिसमें अपनी भलाई हो उसको सुनना चाहिए, अच्छा लगता है इसलिए नहीं सुनना चाहिए, जिसमें अपनी भलाई हो। तो बहरा वो है जो अपने को बताया गया उपदेश कभी पालन नहीं करता। ये जो गुरु भक्ति होती है ना, इसमें 99.9.9.9 गुरु भक्ति का वहां नामो निशान नहीं होता, केवल दुराग्रह होता है। अपनी ही मनवाना, अपनी ही मनवाना। देखो संत, हमारे सिद्धि साई बाबा की एक कथा है, उनके पोथी में आती है। उनका एक ऐसा ही चिपकेश भगत था, नरेश गणेश सुरेश चिपकेश, चिपको आंदोलन का प्रणेता, हमेशा चिपका रहता। अब वो भी तंग आ गया, अरे यार ये लीच के जैसा चिपका हुआ 24 घंटे। तो उन्होंने कहा कि देखो तुम ब्रह्मगिरी पहाड़ पर चले जाओ, त्र्यंबकेश्वर के पास, वहां तुम साधना करो।
माने मेरा पिंड छोड़ो, कहने का तात्पर्य ये था। नहीं नहीं महाराज, आपके सिवा मैं नहीं रह सकता, मैं तो यही रहूंगा, आपके दर्शन करूंगा, आपके पास रहूंगा, आपका उपदेश सुनूंगा। अब ये क्या उपदेश कर रहे, बता रहे जाओ तो सुनते थोड़ी है। तो फिर उन्होंने उसको डांटा और निकाल दिया, भाग गया, वहां चला गया। वहां जाने के बाद अब अपना जप कर रहा है, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। और एक दिन बाबा वहां प्रकट हो गए। उसने कहा, अरे आप यहां कैसे आ गए, तुम्हारे यही तो भ्रांति है, तुम एक देह को आकार को पकड़ के बैठे हो। ये जो कहते हैं ना हम लोग मंत्र, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः, तो एक व्यक्ति खड़ा हो जाता है सर के सामने। देखो इसको इस प्रकार से समझो, गुरु ब्रह्मा नहीं है, ब्रह्मा जी ही गुरु के रूप में प्रकट होते हैं, विष्णु भगवान ही गुरु के रूप में प्रकट होते हैं, शिव जी ही गुरु के रूप में प्रकट होते हैं, और असल में परम ब्रह्म परमात्मा ही गुरु है, और वही परम ब्रह्म परमात्मा अपना स्वरूप है, ये उसका अर्थ है। उसको स्वीकार करने के स्थान पर हम व्यक्ति विशेष में फंसे हैं और उसी को सब कुछ मान बैठते हैं। और उसके बाद मेरा गुरु तेरा गुरु 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 करते रहते हैं। हमारे पंजाब के लोग जो है ना, हर चीज में एक नया जोड़ देते हैं, जैसे गुरु वाणी, गुरु की वाणी, वो का वो कर दिया गुरु वाणी, और उ भी निकाल दिया गुरबानी गुरबानी। इसी प्रकार से एक वहां आश्रम है, वहां धन्य गुरु ये उनका मंत्र है। जैसे सरदारों का होता है ना वाहे गुरु, तो वाहे गुरु क्या है, वाह हे गुरु आप धन्य हो, ये उसका अर्थ है। तो वहां हे गुरु एक्सक्लेमेशन है, उसका उन्होंने मंत्र उतार दिया वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। उसी प्रकार से वहां धन्य गुरु ये उनका मंत्र है, तो उसका एब्रिविएशन कर दिया धनगर धनगर धनगर, धन्य का धन हो गया, गुरु का घर हो गया, धनगर 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 आ गया क्या। देखो महाराज, इसीलिए जो सुपथ्यम न श्रुणोति वाक्यम, जो हमने सुना है जीवन में उसको जीवन में उतारना है। यदि जीवन में आप उतारेंगे ना सत्संग, तो बिना किसी प्रयत्न के आप अपने आप शांत होने लगोगे। ये मालूम है कितना सहज है, जैसे कितनी भी भूख लगी हो आपको, जैसे जैसे आप खाना खाओगे वैसे वैसे क्षुधा शांति होने लगेगी, और एक समय आता है अब नहीं चाहिए, अब पेट भर गया, फिर खाने का विचार मन में नहीं आएगा। इसी प्रकार से जैसे जैसे ये सत्संग पचता है, वैसे वैसे व्यक्ति सहज शांत सरल पवित्र अंतर्मुखी होकर के रहता है। यदि जो खाया वो पचा नहीं और बाहर आ गया, तो उसको उल्टी कहते हैं, माने सीधी नहीं उल्टी। उसी प्रकार से सब कुछ सत्संग सुना सुना सुना, लेकिन अंदर पचा नहीं, इंडाइजेशन हो गया और बाहर आ गया, तो बाहर आने के बाद दूसरों को बताना। देखो ज्ञान की बात है, सबके लिए नहीं है, मेरे लिए भी नहीं। इसीलिए बहरा कौन है, वही है जो ना तो ठीक से सुनता है ना ठीक से समझता है, और जो बताया है उस पर कभी अमल नहीं करता। कितने साधक सिंसियर होते हैं लेकिन बेवकूफ होते हैं। एक बार जो बता दिया है यदि उसके अनुसार जीवन चलाओ ना, तो देखो जीवन में कितना परिवर्तन आ जाता है।
लेकिन हम लोग नहीं, लगे रहोगे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो विश्वास पात्रम न किमस्ति नारी, और जगत में विश्वास रखने अयोग्य कौन है? भगवान शंकराचार्य कहते हैं नारी, नारी माने स्त्री। इस दुनिया में आप किसी पर भी विश्वास रखो, अपने मन पर कभी विश्वास मत रखना। यहां नारी का तात्पर्य है प्रकृति, और अपनी प्रकृति होती है अपना मन। क्योंकि नारी भी क्या है, अपने ही मन की गुलाम है। देखो एक क्षण में वो आपके लिए कुछ भी करने को तैयार है, दूसरे क्षण में एकदम आपके प्राण लेने के लिए तैयार है। वही देखो हमको इन लोगों को चिढ़ाने में टाइम पास अच्छा हो जाता है। एक बार अमेरिका की बात है, हम किसी के यहाँ रहते थे। अब वो खाना बनाती थी, अब मैं खाता था। एक दिन किसी के यहाँ गए खाने के लिए, वही ले गए हमको ड्राइव करके। जब खाना खाने के लिए बैठे तो जिसके यहाँ गए थे उस लड़की को हमने देखा था जब वो 4 साल की थी, तब से अब बड़ी हो गई, माँ हो गई। तो उसके घर में पहली बार गया तो बहुत एक्साइटेड थी, बड़ी खुश थी। उसने खाना खुना बनाया, हाँ क्या मजा आ गया, बहुत बढ़िया बनाया तुमने खाना, ऐसा तो खाना मैंने पिछले 3 महीने से अमरीका में हूँ कभी नहीं खाया। और फिर एक बार और दे दो थोड़ा, अच्छा लग रहा है। और जब मैं ऐसा कह रहा था, खा रहा था, हमारी जो होस्टाइल थी अब वो लाल लाल पीली पीली होने लगी। जैसे खाना खाता हूँ, स्वामी जी मुझे आपसे बात करनी। हमने कहा मैं तुम्हारे घर पे रहता हूँ 24 घंटे, वही बात कर लेना, अभी मैं इसके साथ बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं अभी बात करनी है, अब क्या कर सकते हैं। बाल हट्ट, स्त्री हट्ट और राज हट्ट, ये तीनों के तीनों हट योगी होते हट्ट। तो हमको कमरे में ले गई, छोटा सा कमरा, बिस्तर पर हम बैठे, वो नीचे बैठी और अपने सर को मेरे घुटने पर रख करके रोने लग गई। ये क्या हो गया, आपने मेरे खाने को एक बार भी अच्छा नहीं और इसके खाने की इतनी तारीफ हो रही है। हमने कहा क्या करूं, मैं सच बोलने की आदत है। तो और गुस्सा हो गई। देखो एक स्त्री के सामने दूसरे की तारीफ करो तो आपके जैसा बुरा व्यक्ति दुनिया में कोई नहीं। मां के सामने पत्नी की तारीफ करो तो आपका सत्यानाश। पत्नी के सामने अपनी मां की तारीफ करो तो आपको फांसी लटकाएगी। इसीलिए भगवान शंकराचार्य कहते विश्वास पात्रम न किमस्ति नारी। इसका कारण यही है कि वो ही अपने मन की गुलाम है। अपना मन हमको चाहे ऐसा नचाता है। अपने मन के गुलाम जो है वो अपना ही सत्यानाश। इसीलिए जगत में किसी पर भी विश्वास रखो, अपने मन पर कभी मत रखना। मन जो कहता है वो नहीं करना है, जो योग्य है वही करना है। लेकिन मुझे अच्छा लगता है, हू केयर्स। एक बार कबीर धाम की बात है, एक कोई अंग्रेज था, वो ये कह रहा था इज इट नॉट सप्रेशन, सप्रेशन इज बैड फॉर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। तो मैंने बोला बिल्कुल ठीक बात है, वी शुड नॉट सप्रेस एनीथिंग। यस वी शुड नॉट सप्रेस। ऐसे फिर मैंने कहा अब मुझे ऐसे लग रहा है एक कस के आपके मुंह में लगाओ ताकि आपका नाक पीछे से निकल आए। बट आई एम डूइंग रॉन्ग थिंग बिकॉज आई एम सप्रेसिंग। लगाओ। देखो महाराज, प्रारंभ होता है सप्रेशन से, सप्रेशन इज फॉलोड बाय एजुकेशन of the mind, then the suppression is converted into sublimation. ये है साधना। जो मन में आए वो करना ये साधना नहीं है। और इसीलिए यहां नारी का
शब्द प्रयोग करके प्रकृति की बात करी है, मन की बात करी है, और यह बताया जा रहा था उनके शिष्यों को जो केवल पुरुष थे, स्त्री नहीं थे। इसीलिए जो सामने है उसी से बात होगी ना, जो सामने नहीं उससे थोड़ी बात होगी। एक अम्मा कहाँ के, ऑस्ट्रेलिया के, मुझे हमेशा ईमेल लिखती थी, हाँ जी मैंने ऐसा कहा, उन्होंने ऐसा कहा, बताइए कौन ठीक है। एक बार, दो बार, तीन बार, हर एक घटना मैंने ऐसा कहा, फिर बताइए कौन ठीक है। हमने कहा देखो जब तुम आओगी इंडिया तब मेरे से मिल लेना, अब इस विषय में ईमेल मत लिखना। फिर मिली, बताओ सब। हमने कहा तुम पहले मुझे बताओ मैं किससे बात कर रहा हूं, तुमसे या तुम्हारे पति से। बोले मुझसे बात कर रहे, तो मैं क्या बोलूंगा जिसके द्वारा तुम प्रसन्न हो जाओगे। मैंने नहीं तुमको यह कहा कि तुम गलत हो तो मैं खराब हो जाऊंगा। फॉर द सेल्फ सिक्योरिटी मैं यही कहूंगा कि तुम ठीक हो, उससे निकलेगा क्या। डोंट गेट लॉस्ट इन टू हु इज राइट हु इज रॉन्ग। देखो ठीक क्या है, जिसके द्वारा हम इकट्ठे रह सकते हैं वो ठीक है, जिसके द्वारा हम बिखर जाते हैं वो गलत है, सीधी बात है। देखो ये पति पत्नियों में झगड़े का यही कारण है। जो पत्नी सत्संग को जाती है वो सोचती है मेरे जैसा तो ज्ञानी कोई है ही नहीं, मेरा पति तो भयानक बेवकूफ है, भाई ही शादी जब करी है तो ये तो काहे को शादी करता। एक लड़की, उसके विवाह की बात हो रही थी, 30 साल पहले की बात है शायद, बम्बई की बात है। तो उसके लिए उनके माँ बाप ने लड़का देखा, और इसका किसी के साथ प्यार वीर में नहीं था, क्योंकि स्पिरिचुअल थी, स्पिरिचुअल लोग प्यार नहीं करते, आर्ग्यूमेंट करते। तो उन्होंने जो लड़का देखा बहुत अच्छा लड़का था, सब कुछ ठीक था। तो उसने कहा नहीं मैं नहीं करूंगा शादी। तो उसके माँ बाप ने कहा स्वामी जी आप इसको कुछ समझाओ। हमने कहा चलो, हम एक मंदिर में खड़े थे वहां ये बात हुई, हमने कहा बैठ गए। फिर मैंने पूछा बताओ वो मदिरा पान करता है क्या, नहीं। वो सिगरेट पीता है क्या, नहीं। वो मांस मच्छी खाता है क्या, नहीं। वो क्लबों में जाता है क्या, नहीं। वो नाइट की लेट नाइट पार्टीज में जाता है क्या, नहीं। उसके तनख्वाह उनका ठीक है, हाँ। दिखने को कबूतर है कि सुंदर है, दिखने को अच्छा है। स्वास्थ्य कैसा है, अष्टावक्र है क्या, नहीं सब ठीक है। हाँ अब बताओ तुम क्यों नहीं शादी करना चाहते। स्वामी जी ही इज नॉट स्पिरिचुअल। लो ही इज नॉट स्पिरिचुअल। हमने कहा तुमको किसने बताया कि तुम स्पिरिचुअल हो। पर स्वामी जी मैं सत्संग में जाती हूँ, मैं स्टडी क्लास अटेंड करती हूँ, मैं युवा केंद्र की मेंबर हूँ। हमने कहा ये मेंबरशिप कोई भी कर सकता है। जो व्यक्ति अन्य को नॉन स्पिरिचुअल समझता है वो स्वयं स्पिरिचुअल नहीं है। देखो स्पिरिचुअल आदमी सब में परमात्मा देखता है। ये बात समझ में जब नहीं आती तब हम लोग उल्टी सीधी चक्करों में फंसते हैं। इसीलिए यह नारी का तात्पर्य है मन। मन पर कभी भी विश्वास मत रखना, उसको डिसिप्लिन में रखना, क्योंकि स्त्री शरीर से थोड़ी काम करती है, उसका जो मन उसको नचा रहा है उसी से काम करती है। तो विश्वास पात्रम न किमस्ति नारी तत्त्वं किमेकं शिवमद्वितीयम्। किमुत्तमं यच्चरितं यदस्ति त्याज्यं सुखं किं स्त्रियमेव सम्यक्। देयं परं किं वयं सदैव। तत्त्वं किम एकम शिवम, इस जगत में सबसे पवित्र वस्तु क्या है। शिवम माने पवित्र।
वो कहते हैं अद्वितीयम तत्वम, जिसमें द्वैत की दुर्गंध नहीं है, वही इस जगत में सर्वश्रेष्ठ पवित्र वस्तु है। उपनिषद में आता है द्वितीयात्वी भयम भवति, पहले द्वैत की समस्या समझ ले, फिर अद्वैत का अर्थ समझ ले, फिर ये बात पूरी हो जाएगी। जहां जहां द्वैत होता है, द्वैत माने अनात्म भाव को सत्य मानना, उसको द्वैत कहते हैं। जहां जहां द्वैत होता है वहां तीन बातें होगी, एक तो कामना होगी, दूसरा क्रोध होगा, तीसरा भय होगा। द्वितीयात्वी भयम् भवति, और ये जो भय है अन्य के कारण, ये सभी के लिए सामान्य है, केवल मनुष्य मात्र के लिए नहीं। एक बार एक सज्जन पहाड़ों में गए ट्रैकिंग करने के लिए, पिट्ठू पर ले लिया अपना छोटा सा टेंट वगैरह, फोल्डिंग टेंट, और निकल पड़े और कहीं रास्ते में भटक गए, गाइड भी चला गया कहीं, ये भी अकेले हो गए। शाम हो गई, समझ में नहीं आ रहा कहाँ जावे, उसने सोचा चलो यही ठोक देते हैं तंबू और रह लेते हैं, कल देखेंगे दिन होने के बाद। और डर लग रहा था कहीं शेर ना आ जाए, कहीं कोई भालू ना आ जाए, तो फटाफट उन्होंने टेंट गाड़ लिया, अंदर चले गए, और कुछ नहीं, दीपक ने कुछ नहीं, अंदर भगवान भगवान डर डर के मारे उठे। उधर से थोड़ी देर के बाद शेर आया, तब तक के ये महात्मा सो गए थे, डर डर के कब तक डरेगा, सो गए। सोने के बाद वो कुंभकर्ण की औलाद थे, इसीलिए जोर से कर्राटे मार रहे थे, खर्र। शेर आया, शेर ने खर्राटे सुने, डर के भाग गया। देखो इस आदमी के लिए, क्योंकि सो रहे थे, अन्य की प्रतीति नहीं थी तो डर नहीं था, शेर जगा था उसके लिए अन्य की प्रतीति थी, भाग गया। द्वितीयात्वी भयम् भवति, जहां अन्य है वहां भय है। और यह अन्य की केवल कल्पना होती है। बच्चे लोग रात को बाथरूम के लिए उठते हैं तो मम्मी को उठाते हैं, मम्मी मम्मी मुझे बाथरूम जाना है, फिर तुम जाओ ना, मुझे क्या चाहिए, नहीं नहीं मुझे डर लगता है, फिर मम्मी एकदम शेर बनती है, जाती चलो मैं तुम्हारे साथ रहती, क्योंकि उसको मालूम है अपना बेडरूम और बाथरूम एक ही घर के अंदर है, बाहर कुछ नहीं है। लेकिन बच्चे के लिए बेडरूम और बाथरूम अलग अलग है, इसीलिए डर लगता है। देखो संतो, जैसे जैसे ये बात स्पष्ट होगी, जो संसार है ये कहीं केवल ये द्वैत का ही प्रभाव है, जहां द्वैत नहीं वहां संसार नहीं। देखो गहरी नींद में द्वैत नहीं होता, वहां अन्य की प्रतीति नहीं है, वहां परिच्छिन्नता का भाव नहीं है, इसीलिए वहां कोई इच्छा नहीं है, इसीलिए कर्म नहीं है, इसीलिए पाप नहीं, इसीलिए पुण्य नहीं है, क्योंकि वहां कोई व्यक्तित्व नहीं है, तो क्या है, केवल आनंद ही आनंद है। इसीलिए हर एक व्यक्ति सोना चाहता है, क्योंकि वही परमात्मा की उपलब्धि हमको मालूम है। तो जहां द्वैत है वहां संसार है। अब जैसे देखो, हमारी उंगली समझो हमारे आंख में चली गई, कुछ करते करते जोर से लग गई, तो क्या हम अपनी उंगली को काट डालेंगे? कहने के लिए आंखें और उंगली अलग अलग है, दोनों के कार्य अलग है, लेकिन ये अनेक होते हुए भी इनमें अनात्म भाव नहीं है। यदि किसी दूसरे की उंगली हमारे आंख में चली जाए तो उसका हाथ काट डालेंगे, उंगली को तो। देखो महाराज, तो द्वैत का दूसरा प्रभाव क्या है? द्वैत का दूसरा प्रभाव यह है कि हम किसी को आशीर्वाद देंगे, किसी को कर्ज करेंगे, शाप देंगे। इसीलिए कर्म में, योग में
द्वैत को सत्य माना है, और इसीलिए इनकी हमेशा यही बात होती है, पिछला जन्म, ये जन्म, अगला जन्म। आप देखेंगे कर्म और योग में कर्म की बहुत बात होती है। योग शास्त्र में आता है कर्माशय, कर्माशय माने अपने पिछले जन्म के जितने कर्म है उसको इकट्ठा कर लो तो उसके अनुसार हमारा यह जन्म होता है, और इस जन्म में हमारा जन्म कहाँ होगा, हमारे जन्म में क्या भोग आएंगे, और यह शरीर कब तक रहेगा, जाति आयु भोगा, ये तीन जो बातें हैं अपने पिछले जन्म के कर्म के अनुसार है, क्योंकि वहां उन्होंने हरेक देह में एक एक जीव माना है। जैसे हर जूते को एक सोल होता है, उसी प्रकार से हर आदमी में एक सोल होता है, और इस सोल को लेकर के बड़े बड़े विचार है। सबसे बढ़िया विचार सोल को लेकर के हमको गोवा का लगता है, वहां सोल करी बनाते खल्लास नहीं, सोल करी पियो, अच्छी लगती है, टेस्टी लगती है, ये लोग पता नहीं क्यों नहीं बना रहे। वैसे ये कारवार के लोग सोल करी पीते हैं। तो इस सोल को लेकर के एक जगह कहते हैं ये सोल जो है शरीर के आकार का होता है, दूसरा कहता है ये बड़ा सूक्ष्म होता है, तीसरा कहता है वो इतना सूक्ष्म होता है कि यदि बाल को ऐसा ऊपर से काटो 1000 बार, उसमें से एक ले लो 1/1000, उसको फिर 1000 बार काटो तो कितना बारीक होगा, इतना जीव अंदर होता है बैठा हुआ। और फिर ये जीव इस देह से, ये देह मर गया, यहां से निकला, और फिर यदि वो योगी होगा तो जीव ऊपर से निकलेगा फटाक, रोगी होगा तो नीचे से निकलेगा फटाक। और फिर इसी को लेकर के बड़े बड़े कहानियां बनती है, क्योंकि हर देह में अलग अलग जीव है। देखो संतो, फिर वही होगा, फिर उसकी गति क्या होगी, पाप पुण्य धर्म अधर्म, इसी में पूरा जीवन बर्बाद हो जाना है। इसीलिए योग शास्त्र की जो साधना है केवल प्रकृति प्रधान है, चित्त वृत्ति निरोधः। कितने भी योगी जितना भी योगा योगा करते हैं, एक क्षण उनका चित्त वृत्ति निरोध नहीं होता, क्योंकि दुनिया भर का करना है, ये करना है, वहां जाना है, ये करना है, ऐसा करना है, उसको ये बताना है, कहां चित्तवृत्ति निरोध होगा। देखो इसीलिए जहां द्वैत है वहां संसार है, जहां द्वैत है वहां आशीर्वाद है, जहां द्वैत है वहां कर्ष है, जहां द्वैत है वहां काम है, क्रोध है, भय है। संसार इसको छोड़ के और है क्या? देखो गहरी नींद में यह सब गायब हो जाता है तो कोई संसार नहीं। इसीलिए सर्वश्रेष्ठ वस्तु क्या है जगत में, कहते शिवम अद्वितीयम, अद्वितीय। किसी भी प्रकार से विचार करो आप, द्वैत की सिद्धि नहीं हो सकती। धर्मशास्त्र योग शास्त्र कार्य कारण पर अवलंबित है, और कार्य कारण मिथ्या। जैसे आंखों के कारण रूप रंग की सिद्धि होती है, रूप रंग के कारण आंखों की सिद्धि होती है, तो किस पर कौन अवलंबित है? एक बार एक व्यक्ति गए डॉक्टर के पास आंखें ठीक करने के लिए, तो डॉक्टर बैठे, बोलो बैठो वहां, हाँ वहां पढ़ो, हम बताते हैं क्या क्या है बताओ। जैसे वो लड़का देख रहा था, आदमी देख रहा था, बिजली चली गई। क्या पढ़ रहे हो? कुछ नहीं। अब वो जब कहेगा कुछ नहीं पढ़ रहा हूं, तो क्या ऐसा कहेंगे वो अंधा है? तो आंखों की सिद्धि किससे होती है? रूप रंग से। रूप रंग है, इसकी सिद्धि किससे होती है? आंखों से। तो कौन कारण है और कौन कार्य है? दोनों एक दूसरे पर अवलंबित है।
देखो महाराज, इस कार्य कारण के परे चले जाओ तो न जायते म्रियते वा विपश्चित नायम भूत्वा अभविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोयम् पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अजहा अनबॉर्न, जिसका जन्म नहीं होता, जिसका आदि मध्य अंत विकार नहीं है, वह तत्व है। देखो महाराज, अब ऐसे समझो, हम लोग इस बिजली के प्रकाश में बैठे हैं, तो हमारे बुद्धि के अनुसार हम क्या क्या देखते हैं। जो स्थूल बुद्धि वाला होगा, बहिर्मुखी होगा, वो इस प्रकाश के द्वारा जो वस्तु प्रकाशित हो रही है उसको देखेगा, और थोड़ा सूक्ष्म बुद्धि वाला होगा तो वो उसका ध्यान रहेगा प्रकाश के तरफ। ये प्रकाश को बिना बिजली के बढ़ाया जा सकता है क्या? अब वो इन विषयों को नहीं देख रहा, वो प्रकाश को देख रहा। उससे भी जिसकी सूक्ष्म बुद्धि होगी वो ये विचार करेगा, ये प्रकाश किस प्रकार से प्रकट होता है, क्या प्रकाश सत्य है या कुछ अन्य वस्तु प्रकाश के रूप में प्रकट हो रही है। फिर वो स्विच ऑफ करेगा, प्रकाश गया, स्विच ऑन किया, प्रकाश आया। आहा, तो ये बिजली ही बल्ब के माध्यम से प्रकाश के रूप में प्रकट हो रही है। तो इसमें सत्य क्या है? जो वस्तु प्रकाशित हुई वो सत्य है, प्रकाश सत्य है, प्रकाश की क्वालिटी सत्य है, कि जो प्रकाश के रूप में प्रकट हो रही है वो बिजली सत्य है। देखो, वस्तु तो वही है। इसी प्रकार से इंद्रियों से दुनिया दिख रही है। अब जो ये दुनिया के विषयों में फंसा है उसको कहां ये चिंतन संभव है? उसका तो पूरा जीवन इसी में जाएगा, और इकट्ठा करो, ये ऐसा करो, वैसा करो। एक हम सोच रहे हैं स्वामी जी, एक कमरा और बढ़ा ले। क्यों? फर्नीचर रखने को जगह नहीं, तो फर्नीचर को निकाल दो ना। वो नहीं हो सकता, हम घर के बाहर चले जाएंगे, फर्नीचर घर में रहेगा। क्योंकि हमने विषयों को महत्व दिया है। अब वहां से हटे, फिर आए इंद्रियों पर, विषयों का महत्व नहीं है। अब हमने ज्यादा कंप्यूटर पर काम करना छोड़ दिया है। क्यों? आंखें दुखती है, यहाँ गड़बड़ हो रही है, पीठ में भी राम राम बोल रहे हैं। डॉक्टर ने कहा जिंदा रहना तो कंप्यूटर को तलाक दे, तो मैंने दोनों को तलाक दे दी, कंप्यूटर को भी। अब विषयों से हटे, इंद्रियों पर आए। अब इंद्रियों के भी गुलाम नहीं रहे, अब आए मन पर। इंद्र कहता है कि अचार मिले तो अच्छा है, मन कहता है नहीं माने नहीं। ओके, मन पर है। फिर मन में अनेक वृत्तियां है, आप वृत्तियों का भी त्याग कर दिए। इन वृत्तियों को जो प्रकाशित कर रहा है वह शुद्ध चेतन तत्व वृत्तियां हो या न हो इनके द्वारा प्रभावित नहीं होता। तो जब विषय खत्म हो गए, इंद्रियों की हानि नहीं। जब इंद्रिय बंद कर दिए तो मन की हानि नहीं, जब मन को सुला दिया चैतन्य की हानि नहीं। यह अपना स्वरूप है। यदि हम बहिर्मुखी होंगे तो यही बात कहेंगे, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। पूरा जीवन जो है वो अपने शरीर को ही सजाने में रखत रख दिया है। बहुत पुरानी बात है, 90s की, हमारे कैवल्य धाम। उस समय एक हरियाणा के कोई एक दो विद्यार्थी थे, उन्होंने डेमोंस्ट्रेशन दिया। एक बड़ी लोहे की ऐसी जो डंडा होता है, यहां से वहां तक,
उधर जमीन में गाड़ दिया पेट के साथ, और दूसरा जो उसका एंड था वो अपने एक कंठ में लगाया, लगा करके अब प्राणायाम किया, कुंभक किया अंदर कुंभक, और फिर उधर का जो था वो उठा करके दूसरे विद्यार्थी ने उसके पास ले आया, ये नहीं हटा, दीवार के साथ खड़ा था, और वो जो लोहे की सलाख थी वो ऐसी यू टर्न हो गई। तालियां बजी दूसरे बार, फिर वो लेट गया, फिर इनर कुंभक किया, फिर उसके छाती पर लकड़ी का पट्टा रखा पड़ा, उस पर इतना बड़ा पत्थर रखा और हथौड़े से उस पत्थर को तोड़ा। सब होने के बाद फिर तालियां बजी, मैं वो देख करके चला गया कमरे में, वो मुझे स्वामी जी आशीर्वाद करो। किस लिए? नहीं मैं आपका आशीर्वाद ले, किस लिए जाए आशीर्वाद, काम तो बताओ ना, नहीं जो पैसे दे दो, किस लिए जाए पैसे। फिर मैंने उसको कहा तुम सिद्ध क्या करना चाहते हो, योगाभ्यास कोई एक्रोबेटिक है क्या, क्या ये करके तुम पतंजलि महर्षि को सर्टिफिकेट देना चाहते हो कि उन्होंने जो कहा वो ठीक कहा है। मैंने देखा देखो संतो, योगाभ्यास अध्यात्म का साधन है, लेकिन हम फंस जाते हैं केवल इस जगत में और इसी में पूरा जीवन चला जाता है। देखो आप पतंजलि योग दर्शन का अध्ययन करो तो पता चलेगा कहीं भी स्वास्थ्य के लिए योग का कहीं भी मेंशन नहीं है। जैसे हम लोग गाय किस लिए रखते हैं, गोबर के लिए गाय रखते हैं, दूध के लिए, गोबर तो फ्री आ जाता है। नहीं जी हमको तो गोबर की नहीं, हमारे गोबर भी चाहिए गोमूत्र भी चाहिए। एक बार हम कहीं जा रहे थे कार से, हमारा सारे बुढ़ाओ अम्मा थी, बहुत पुरानी बात है, और हमारी गाड़ी किसी कारण से रुक गई, पंचर वंचर हो गए, तो वहां एक गायों का फार्म था, तो हमने कहा चलो घूम घाम के आते जब तक एक ठीक करते, तो बुढ़ाओ भी हमारे साथ आई। मैं स्वामी जी रुको 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 रुको, बोले मैं क्यों रुकू, बोले नहीं रुको, तो वो बोलती रही मैं चलता रहा, वो दौड़ भाग के गई कार में, वहां से पानी की बोतल थी बिस्लेरी वाली तो पानी फेंक दिया, 12 रुपए खराब, बोतल को खाली लेके दौड़ के आई। बोले स्वामी जी इतना अच्छा मौका कहाँ मिलेगा, मुझे गोमूत्र इकट्ठा करना। हमने कहा अब ये गोमूत्र का दुर्गंध पूरे गाड़ी में रहे। हमने कहा अम्मा ये गोमूत्र नहीं हो सकता। बोले क्यों? देखो ये अंग्रेजी गाय है, इनका यूरिन होता है, जो भारतीय गाय होती है उनका गोमूत्र होता है। अरे अच्छा ना, बोले फिर मैं नहीं लेती। तो जो गाय हम रखते हैं वो दूध के लिए रखते हैं, गोमूत्र और गोबर तो यूं ही आ जाता है। इसी प्रकार से योग साधना जो है प्रभु की उपलब्धि के लिए होती है। यदि वो नहीं हुआ और केवल हम योगा करते हैं इसीलिए हमारा स्वास्थ्य ठीक है, स्वस्थ रहना ये जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता। देखो अपने जितने भी टेररिस्ट बंधु हैं सभी स्वस्थ हैं। किसी ने कहा क्या, किसी टेररिस्ट ने आकर के अरे जरा बंदूक पकड़ कमर में लचक आ गई, वो स्वस्थ है। शारीरिक स्वास्थ्य जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता। देखो अष्टावक्र महाराज कौन से स्वस्थ थे, अब मॉडर्न अष्टावक्र महाराज हमारे पूना के जो शंकर महाराज है वो भी अष्टावक्र थे। इसीलिए सर्वश्रेष्ठ वस्तु यदि क्या है तो यह एक अद्वितीय तत्व, और इसका आनंद मालूम है क्या है, बाकी सभी मार्गों में आपको अभ्यास करना पड़ता है। अभ्यास छूट गया तो आप भूल जाओगे, क्योंकि सभी का सभी अभ्यास प्रकृति में होता है, और अपने आप को
केवल एक बार पहचान लो, केवल एक बार, फिर भूलने का डर नहीं। जैसे हम लोग तैरना सीखते हैं तो कभी भूलते नहीं, केवल एक ही बार जीवन में तैरना सीखते हैं। भूलते इसलिए नहीं कि तैरना हम मन से नहीं सीखते, बुद्धि से नहीं सीखते। उसी प्रकार से अपने स्वरूप का जो आनंद है यह इंद्रिय मन बुद्धि का नहीं है, इसीलिए इसमें डरने की बात नहीं, इसीलिए अभ्यास भी नहीं। तत्त्वम किमेकम शिवम अद्वितीयम किमुत्तमम सच्चरितम यदस्ति। और किम उत्तमम चरितम, सबसे बढ़िया बात क्या है जीवन में? सच्चरित्र। सच्चरित्र माने अपने माध्यम से परमात्मा पूर्ण रूप से प्रकट हो रहा है। यदि हमारे माध्यम से परमात्मा प्रकट होगा तो पहली बात हम दुखी नहीं होंगे। दुख प्रकृति के क्षेत्र में, परमात्मा के क्षेत्र में नहीं है। इसीलिए सबसे श्रेष्ठ वस्तु क्या है? तो वही है कि अपना चरित्र श्रेष्ठ हो। जिसका चरित्र श्रेष्ठ है उसके लिए जगत में निर्भय होकर के जीना बड़ा संभव है। जहां चरित्र में खोट आ गई व्यक्ति डर डर के जीने लग जाता है। त्याज्यम सुखम किम स्त्रियमेव सम्यक। किम सुखम त्याज्यम, जगत में कौन सा सुख है जिसको हमेशा त्यागना चाहिए? तो कहते स्त्री सहवास का जो सुख है वही त्यागना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति उसी के प्रभाव में आकर के, माने स्त्री पुरुष एक ही बात है, इन दोनों के प्रभाव में आकर के व्यक्ति जीवन का जो विवेक है वो खो बैठता है। और देखो भगवान कहते हैं पांचवे अध्याय में, शक्नोति हैव यः सोढुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम स मुक्तस्य सुखी नरः। जो व्यक्ति काम और क्रोध के आवेग को जिंदा जी सह सकता है, माने जीवन में काम क्रोध के आवेग आएंगे, ये कल्पना मत करना कि हमारे मन में काम क्रोध कभी नहीं आएंगे, उनको आने दो, हम उसके द्वारा प्रभावित नहीं होंगे। जैसे सत्संग बोलने दो, हम नहीं बदलेंगे। इसी प्रकार से माने अपने पास क्षमता है, उस क्षमता को अप्लाई करना है। देयम वरम किंतु अभयम सदैव। और जगत में देय वस्तु कौन सी? देने योग्य, वर्दी ऑफ गिविंग, अभयम त्वदेय, अभयम सदा एव। जब संन्यास की दीक्षा होती है ना, उस संन्यास की दीक्षा में एक मंत्र ये आता है जिसमें कहते हैं कि मुझसे सबके लिए अभय हो, कोई भी मुझसे डर डर के ना रहे। हम डर के किससे रहते हैं? कोई बाबा जी आ रहा है, अरे राम अब ये पैसा मांगेगा, अब क्या करूंगे, भाग गए। महाराज जी बैठिए बैठिए, मैं भी आता हूं, मैं बाथरूम जा रहा हूं, बाहर से निकल गए और ये बैठे। फिर दूसरे बार, पिछले बार हाँ मैं भूल ही गया था, आप बैठे बाहर गए। जब हमको किसी से कोई अपेक्षा होगी तो डर होगा, ना किसी से लेना है ना किसी को देना है, तभी व्यक्ति निडर होकर के जगत में रह सकता है। तो सबसे बड़ी देन यही है कि किसी को भी अपने से भय ना लगे। भय लगने का कारण दो प्रकार से है कि एक तो बात यह है कि व्यक्ति अन्य से भय इसलिए करता है कि वो हमको हानि ना पहुंचाए। हानि शारीरिक होती है, बौद्धिक होती है, मानसिक होती है, आध्यात्मिक होती है। देखो ध्यान से सुनना, एक बार की बात है, एक अम्मा ने मुझे कहा कलकत्ते में, स्वामी जी आज के आपके सत्संग ने मेरे जिंदगी भर की जो समस्या थी वो खत्म कर दी। मैंने कहा बहुत बढ़िया है। बोले पूछोगे नहीं? मैंने क्या पूछना है, समस्या आपकी आपकी खत्म होगी, मुझे कोई समस्या है नहीं। बोले समस्या ये थी, आप कहते थे कि किसी के भी प्रति मन में घृणा नहीं होनी चाहिए, ये तो मैं स्वीकार करती हूं थियोरेटिकली, लेकिन मेरी सांस के प्रति मेरी जो मन में घृणा है वो नहीं जाती।
उसने मुझे बहुत छला है बचपन से, जब से शादी हुई। मैं कितना भी प्रयत्न करूं नहीं जाती थी, क्या करूं। तो आपने आज बताया सत्संग में, ये कल्पना मत करो कि आपके मन से काम क्रोध लोभ मोह हमेशा के लिए निकल जाएगा। फिर उनको आने दो, लेकिन उनके द्वारा प्रभावित होना बंद करो, इतना ही करो। प्रकृति में विकृति आएगी, सामने वाला कहेगा नहीं नहीं एक रसगुल्ला और ले लो, एक लड्डू और ले लो, उसको कहने दो। लेना न लेना आपके हाथ में है, समझो डाल भी दिया तो डाल ले दो, खाओ मत। ये बात हम आप लोगों से सीखे, इतना डाल दे। पहले पहले मैं जब रॉ था इस प्रोफेशन में, तब की बात, उस समय ये माताएं और लो और लो और लो, और हमने एक बेवकूफी का नियम बना लिया था, थाली में कुछ छोड़ेंगे नहीं। अब खा खा के इतने परेशान होने लग गए। फिर एक दिन हमको भगवान ने बुद्धि दी, उन्होंने कहा तुमको साधना करनी है कि जगत के सामने कुछ सिद्ध करना है। कुछ दिन के बाद हमने वो नियम छोड़ दिया, आप जो मर्जियां डालते रहो, मुझे जितना खाना है खाऊंगा, बाकी फेंकना है फेंक दो। देखो महाराज, नहीं 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 खाने का नाश नहीं करना चाहिए, फिर डालो मत। हमको अपने हाथ से लो खाना, इसीलिए हम यहाँ अपने हाथ से लेना चाहते हैं, क्योंकि जो खाना है वो हमको नहीं देंगे, छुपा छुपा करके अच्छा अच्छा रख देंगे, गड़िया को देंगे। और दिखाएंगे हमारा बड़ा प्रेम है स्वामी जी पर। तो देयम कर्म किम परम किम तु अभयम सदैव, अभय का दान यह सर्वश्रेष्ठ दान है। हमसे किसी को भी डर ना लगे, डर लगता है हानि का, कि कोई हमारा कुछ छीन ना ले, तब डर लगता है, अन्यथा डर नहीं। शत्रुर महाशत्रु तमोस्ति को वा, सकोपान ऋतलोभ तृष्णः, न पूर्यते को विषये स एव, किं दुःखमूलं ममताभिधानम्। शत्रोः महाशत्रु तमो को अस्ति, सबसे बड़ा दुश्मन कौन है अपने जीवन में, सबसे बड़ा दुश्मन कहते हैं ये है काम। देखो पूरी भगवद गीता में सभी शास्त्रों में अध्यात्म का तात्पर्य काम से निवृत्ति, और हमारे लिए अध्यात्म क्या है, हम मंदिर में जाएंगे, भगवान को कहेंगे भगवान हमारी ये कामना पूरी कर दो, यहां तक के भगवान के नाम भी रख दिए, मनोकामना पूर्ण देवी, मनसा देवी जो है वह आपकी मनोकामना पूर्ण। एक व्यक्ति शीतला देवी के मंदिर में गया, जाकर के बड़ी प्रार्थना करी, उपासना करी, 6 महीने के बाद शीतला देवी प्रसन्न हो गए। अब तक क्या चाहिए, माँ मुझे एक ऐसा घोड़ा दे दो कि जो हमेशा रेस में पहला आए और मैं खूब पैसा कमाऊं। शीतला माता को आया गुस्सा, एक चाटा लगाया। भक्त ने कहा माँ मुझे क्यों मारा, बोले मेरी मजाक उड़ा रहा है, मैं तुमको घोड़ा दे सकती तो गधे पे क्यों बैठता। शीतला देवी माता का जो वाहन है वो गधा है। हम कल रात को जब काम कर रहे थे तो इंटरनेट पर पढ़ रहे थे, बड़ा आश्चर्य लगा, बेंगलोर में और चेन्नई में गधे का दूध बेचते और पूरा आर्टिकल है उसमें, और उसकी कीमत कितनी है, सस्ता है, 2000 रुपए लीटर।
और वो जो एक कोई अम्मा है वो कहती है हम रोज कम से कम 2-2.5 हजार रुपए का दूध बेच देते हैं, क्योंकि एक गधा कितना दूध देगा, गाय तो है नहीं। तो बोले हमारे पास 20-25 गधे हैं और लोग वहां ले ले लेते हमसे आकर के। और फिर उसमें ये भी लिखा था कि गधे के दूध से पीने से चमड़ी अच्छी चिकनी हो जाती है, रंग निखरता है। और एक डाटा उसमें दिया था, क्लियोपाट्रा नाम तो सुना होगा, क्लियोपाट्रा रोज गधे के दूध में नहाती थी और उसके लिए उनके यहाँ एक जैसे घोड़े का तबेला होता है वैसे बहुत बड़ा गधों का तबेला था, और वो रोज पूरा टब भर करके गधे के दूध में जाकर के नहाती थी, इसीलिए गधी। गधी इसलिए थी कि रानी बनने के लिए उसने अपने भाई से शादी करी थी। आपको मालूम है कि नहीं, क्लियोपाट्रा ने अपने भाई से शादी करी थी क्योंकि वो वहां की रानी बनना चाहती थी, गधे के दूध का। यह जो काम है ये हमको कुछ भी करवा सकता है, इसीलिए जो आध्यात्मिक साधना है एक काम को पूरा करने की नहीं है। ध्यान की परिभाषा भगवान श्री कृष्ण के अनुसार भगवद गीता में है, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगता। जब हम अपने मन से सभी की सभी कामनाएं हमेशा के लिए, प्रजहाति जहाति हटा देता है, प्रजहाति हमेशा के लिए, जो अपने मन से सभी कामनाएं हमेशा के लिए हटा देता है वो 24 घंटे में 24 घंटे ध्यान में है। कोई कामना होगी तो ध्यान कामना की तरफ जाएगा, कामना है ही नहीं तो ध्यान होगा लेकिन ध्यान का विषय नहीं होगा। इसीलिए सबसे बड़ा शत्रु कौन है, यह काम। कठोपनिषद में भी यही बात आती है, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदि श्रिताः। जब हमारे हृदय से सभी के सभी कामनाएं हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं, अत्र ब्रह्म समश्रुते, इसी क्षण आप साक्षात परमात्मा हो, भगवान में कोई कामना नहीं है। आप ऐसा कैसा कहते, उपनिषद में आता है सो कामयत बहुश्याम प्रजा ये थी स तपोतप्यत, भगवान ने कामना करी ये दुनिया बनाऊ। ध्यान से सुनना, कामना दो प्रकार की होती है, जैसे पानी की गति दो प्रकार की है। नदी में जो पानी बहता है वो पानी एक दिशा में लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, जब तक के समुद्र में नहीं मिलेगा तब तक के पानी की नदी की गति पूर्ण नहीं हुई। दूसरा, पानी हिलता है समुद्र में भी, लेकिन समुद्र में जो पानी की गति है उसका कोई लक्ष्य नहीं, उसको कहीं पहुंचना नहीं है। दोनों जगह पानी की गति है, एक जगह में आवश्यकता है दूसरी जगह में परिपूर्णता है। तो इच्छाएं दो प्रकार की हो गई, एक कुछ प्राप्त करने की इच्छा है, देखो कुछ प्राप्त करने की इच्छा बंधन कारक होती है, और इच्छा शक्ति जो है वो मोक्ष है। इसीलिए तुकाराम महाराज जो कहते हैं ना, आनंदाचे डोही आनंद तरंग, ये ही आनंद है परिपूर्णता का, द जॉय ऑफ फुलफिलमेंट। इसीलिए सबसे बड़ा शत्रु ये कामना है जो हमको जगत की वस्तुओं को इकट्ठा करने के लिए विवश करती है, काम। और ये काम कैसा है, सकोप क्रोध युक्त, कोप माने क्रोध,
क्रोध माने कम वृद्धि यदि क्रोधा, जो आनंद को प्रकट करने से रोकता है उसको क्रोध कहते। कोई आदमी ऐसा कह सकता है क्या, मैं इतना गुस्से में हूं लेकिन खुश हूं? गुस्से वाला आदमी कभी खुश नहीं रह सकता। तो काम उसकी दो गतियां है, या तो काम पूरा होगा या तो पूरा नहीं होगा। काम यदि पूरा नहीं हुआ तो उसको क्रोध कहते हैं, काम यदि पूरा हो गया तो उसको लोभ कहते हैं। क्रोध और लोभ दोनों भी हमारे मन का संतुलन बिगाड़ देती है। लोभ में आकर भी आदमी मन के संतुलन को खो बैठता है, क्रोध में आकर भी मन के संतुलन को खो बैठता है। इसीलिए काम क्रोध लोभ और तृष्णा, तृष्णा तृष्णा माने और चाहिए और चाहिए, यह जो हृदय में है किसी भी कितना भी दो और थोड़ा है तो ठीक ही है। तो यह जो तृष्णा है काम क्रोध लोभ, लोभ माने ग्रीड और चाहिए। तुलसीदास जी महाराज लोभ को उदाहरण देते हैं, जैसे छाती में कफ होता है निकलते जाते हैं निकलते जाता खत्म ही नहीं होता, इसी प्रकार से लोभ का कोई अंत नहीं। तो काम क्रोध लोभ और तृष्णा जो है ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। तो अगले बार आप किसी मंदिर में जाओगे, शिरडी साईं बाबा के, भगवान के, यहाँ के देवी के मंदिर में कहीं भी जाओ, एक ही चीज मांगना कि भगवान हमारे हृदय से सभी कामना हमेशा के लिए नष्ट करो। इस समय का जो आपका अनुभव है ना, ये कामना रहित अनुभव है। कोई प्रयत्न नहीं है। जब कामना नहीं है तो काम ही नहीं है। स शांति माप्नोति न काम कामी आपूर्यमाणम अजल प्रतिष्ठम। समुद्र में कितना भी पानी जाए वो ज्यों का त्यों रहता है। इसी प्रकार से जगत के किसी भी वस्तु व्यक्ति के प्रति कोई भी कामना न होवे वही शांति का अधिकारी है। इसीलिए सबसे बड़ा शत्रु अपने जीवन में यदि कोई है तो यही है कामना। शत्रो महाशत्रुतमोस्ति कोपा कामस्य कोपा नृतलोभ तृष्णा न पूर्यते को विषये स एव। और किसको पूरा नहीं किया जा सकता, न पूर्यते को, किसको पूरा नहीं किया था, स एव काम को ही कभी नहीं पूरा किया जा सकता। इसीलिए काम को एक नाम दिया है भगवान कृष्ण ने, अनल। अनल माने अग्नि, अलम माने इनफ काफी हो गया, अनल माने नहीं इनफ ने और दो और। तो काम ऐसा है कि जिसको कभी पूरा किया ही नहीं जा सकता, उसमें एक और ऐड हो ही सकता है। तो न पूर्यते को विषय ही स एव, इसीलिए जिसकी पूर्ति हो ही नहीं सकती उसके पीछे क्यों लगे। देखो महाराज अपने लिए इसलिए एक लक्ष्मण रेखा खींच के रख ली, 10 फार नो फर्दर, हर चीज में बोलने में 10 फार नो फर्दर, किसी भी भोग में 10 फार नो फर्दर, हर एक चीज में एक अपने लिए एक ऐसी लक्ष्मण रेखा चारों तरफ से घुमा ले। देखो आप एकदम बिना किसी प्रयत्न के सहज शांत रहने लग जाएंगे, तब जाकर के कामना निकल जाएगी। किम दुख मूलम ममता विधानम, और दुख का मूल क्या है, उस दुख के मूल का नाम है ममता। आगे को जब ऐड करोगे तो आपकी मर्जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णं गच्छते।
है।